आप लोग जानना चाहते थे ना कि मकसूद साहब यहाँ आकर क्या करते हैं। वो यहाँ आकर खाना बनाते हैं और मैं उनकी वीडियो बनाती हूँ। वो आजादी जो उन्हें आपके घर में नहीं मिल सकी, मैंने उन्हें दी है। मर्द और औरत में हमेशा सिर्फ एक ही रिश्ता नहीं होता, इज्जत और कदर का रिश्ता भी हो सकता है। उनकी बनाई हुई खानों की रेसिपीज YouTube पर अपलोड होती हैं। यही नहीं, मैंने तो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, वो भी YouTube पर मौजूद है। अगर आपको अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो देख लीजिएगा। और हाँ, एक और बात, जो खाना यहाँ पर पकता है वो हम शाम में गरीब बच्चों को कच्ची आबादी में खिलाने के लिए भी जाते हैं। अगर आप लोगों को यकीन ना आए तो मैं कच्ची आबादी भी आप लोगों को लेकर जा सकती हूँ। शेफ मकसूद एक बहुत बड़ा नाम है और मुझे यकीन है वो इस मुल्क की पहचान बनेंगे। लेकिन अफसोस, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने अपने बाप को कभी इस नजर से देखा ही नहीं है बेटा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? अरे अब्बा जान, जिस तरह की हरकतें कर रहे थे उस पे यही शक बनता था। नौबत क्यों आई है? हाँ, अगर वो खाना बना रहे थे किचन में, तकलीफ तुम्हें होती थी ना? ये उनके बेटे का घर है, किसी के घर का घर नहीं है। लेकिन तुमने मुझे उनके शौक के खिलाफ इतना किया, ये दिन देखना पड़ गया मुझे। अब्बा जी, अब्बाजी कहाँ चले गए? अब्बाजी घर पर नहीं है। मामा आबा, ये देखें, दादा अब्बू का इंटरव्यू आया यूट्यूब पे, बहुत फेमस हो गए हैं दादा और बहुत सारे लाइक भी हैं। तो आइए मिलते हैं मकसूद अलवी से, जो एक सेल्फ टॉट शेफ हैं और उनका कुकिंग चैनल दिन ब दिन मकबूल होता जा रहा है। कैसे हैं मकसूद साहब आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ कि पता नहीं कैमरे की आंख से कैसा लग रहा हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बताइए कि ये उम्र तो अल्लाह अल्लाह करने की होती है ना, फिर आपको शेफ बनने का ख्याल क्यों आया? देखिए जी, बस शौक की कोई हद नहीं और सीखने की कोई उम्र नहीं। बचपन से ही मुझे खाना बनाने का शौक था और मैं किचन में चला जाया करता था और वह खाने बनाता था, लेकिन अब्बा को पसंद नहीं थे। वो हमेशा मुझे कहते थे कि क्या औरतों की तरह तो घुस आता है किचन में। कहते थे कि क्या रसोइया बनना है तुमने? बहरहाल उन्होंने मुझे किचन से निकाल कर रेलवे की क्लर्की में डाल दिया। और आपकी बीवी? वो तो मेरे हाथ के खानों की सबसे बड़ी कदरदान थी, लेकिन बस जवानी में ही उसे बीमारियों ने आन घेरा। और आपके बच्चे आपके हाथ के खानों की तारीफ तो जरूर करते होंगे। कहाँ खो गए मकसूद साहब? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तारीफ? मेरे बच्चे तो मेरे हाथ के खाने के जायके के दीवाने हैं। छुट्टी वाले दिन मेरे हाथ का हलवा पूरी टेबल पे ना हो ना, तो मेरा बेटा सऊद, उसकी सुबह ही नहीं होती। और मेरा पोता वलीद, उसको तो मेरे हाथ का पिज्जा इतना पसंद है कि रोज मुझे कहता है कि दादा आपके हाथ का पिज्जा खाना है, आपके हाथ में तो जादू है। और मेरी बहू फरजाना, वो तो
मेहमानों के सामने मेरी तारीफ करते हुए नहीं थकती थी और वो हमेशा ये कहती थी कि अब्बू के घर आने से किचन की रौनक बढ़ गई है। हर दिन मजे मजे के पकवान खाने को मिलते। आखिर में हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई मैसेज? अगर अपने ख्वाबों की कीमत चुकाने की हिम्मत है तो अपने ख्वाब जरूर जिए, जरूर जिए। हमने कभी भी अब्बाजान के शौक को सराहा नहीं, कितना दिल दुखाया हमने उसका, मगर उन्होंने एक लफ्ज शिकायत का नहीं कहा कभी। बाबा हम उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम उन्हें ढूंढने चलते हैं, प्लीज। प्लीज आओ चले। दादाबू आप आ गए। अरे बेटा मैं अपने बच्चों को छोड़ कर गया ही कहाँ था। बजान मुझे माफ कर दें, आपको कितना ढूंढा, हर जगह इतने फोन किए। बेटा मैं सब जानता हूँ, आयजा जी ने भी मुझे फोन करके बता दिया था, लेकिन मुझे अपनी औलाद पर पूरा भरोसा था कि वो कुछ देर के लिए तो बदगुमान हो सकती है लेकिन ज्यादा देर तक बदल नहीं हो सकती। अब्बा जान लेकिन आप सारी रात थे कहाँ? हम सब कितना परेशान थे। अरे बेटा मैं छत पे था, तारों से बातें कर रहा था। हेलो लिटिल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कम ऑन रेडी है भाई हलवा पूरी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शाबाश, बैठो बेटा, लो पूरी दो बेटे को। हाँ शुरू करें। यस ओके चलो। थैंक यू।